सचिवालय में यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल ने यूडीएच अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक के बाद धारीवाल ने कहा कि सरकार मेट्रो के दूसरे फेज को बनाना चाहती है। दूसरे फेज में 3 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। धारीवाल ने कहा कि सेकंड फेज का अलाइनमेंट हो जाएगा, इसके बाद दूसरे फेज का कार्य प्रारंभ हो सकेगा। वे मंगलवार को फेज प्रथम बी का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान उन्होंने आवासन मंडल के 22,000 मकानों के निस्तारित करने के निर्देश भी दिए। आवासन मंडल की ओर से इन मकानों को 45% सस्ता किया जाएगा। बैठक में जेडीसी टी रविकांत, यूडीएच सचिव भास्कर सावंत, आवासन मंडल आयुक्त सुबीर कुमार सहित मेट्रो के अधिकारी मौजूद रहे। मेट्रो का बाबत ज्यादा विचार हुआ है, मेट्रो का फर्स्ट फेज का जो भी पार्ट है एक तो कल उसको देखेंगे हम। उन्होंने जैसा पिछली बार मेरी विजिट के टाइम तो बोला था कि अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैंने जब भी ये कहा था कि तब मेट्रो अगस्त तक कंप्लीट नहीं होगा। अब उसमें कितनी प्रोग्रेस है कितनी नहीं है तो वो जा करके देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि सेकेंड फेज जो है मेट्रो का, उस पर पुनर्विचार हुआ है, आया वो कहाँ से लिया जाए, सीतापुरा से किधर जाएंगे, टोक रोड होते हुए जाएंगे या सीधा मानसरोवर जाएंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए भी जो है वो विचार काफ़ी लंबा चौड़ा तरह से विचार हुआ है। और मैं समझ के चलता हूँ कि उसको इस महीने के अंदर उसका अलाइनमेंट फाइनल हो जाएगा।